हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूं। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके जनरल टर्म क्या हैं, इसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज़ बात को ध्यान दो। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबरों का एक ऐसा ग्रुप है या सीरीज है जिसमें दो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को अगर आप लेते हो तो उसका जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम आएगा। ऐसे ये जो प्रोग्रेशन है बच्चों, तो आप ध्यान दें, ये प्रोग्रेशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं, जिसे हम AP, GP और HP के नाम से जानते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो GP और HP है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा केवल और केवल AP को, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके माध्यम से इसके जो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ बच्चों, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल भी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन चैप्टर है इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में ना छोड़ें और पूरा वीडियो को देखें, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करें आपके पास एक नंबर है, चलिए हम लेते हैं नंबर इस तरह से 3, 6, 9, 12, 15 ... इस तरह से बहुत सारे इस तरह से नंबर ये सीरीज आगे चला गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है बच्चों, आप यहाँ देखें। सबसे पहला है कि कोई भी अगर सीरीज हमको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो कोई भी सीरीज अगर दिया हुआ है तो इसमें ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है, आप इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, आप इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म और इसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये जो ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये इस तरह से चला गया आगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब जो पहला टर्म है यानी ये जो फर्स्ट है नंबर, आप इसे हमेशा फर्स्ट टर्म कहेंगे और इसे A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो बात है इसमें, अब यहाँ पर देखें, ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। अगर मैं सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं, यानी 6 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो बचेगा 3। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3 आपका निकला, इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ये कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस निकालें, चलिए हम इसको D1 मान लेते हैं, तो ये 6 - 3 तो ये 3 आया। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, तो ये आएगा 9 - 6 यानी ये भी 3 आया। इसी तरह से मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, इसको D3 मान लेते हैं, तो ये आया 12 - 9 यानी यहाँ भी 3 आया। और ठीक इसी तरह से इसका भी डिफरेंस निकाल लें, इसको D4 मान लेते हैं, तो ये 15 - 12 ये भी आ गया 3।
ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें जितने बार हमने डिफरेंस निकाला है वो सारे के सारे डिफरेंस सेम है। सबका डिफरेंस यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से कोई सीरीज दिया गया हो जहाँ पर जिसके प्रत्येक 2 कंसिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे यानी सेम रहे, तो उस सीरीज को हम एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सपोज करें मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर लिया 4, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 10, फिर ले लिया 15, फिर ले लिया 19, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें इसका जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, इसका जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म यहाँ 4 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो आप यहाँ देखिए 8 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो ये इस बार 10 माइनस 8 यानी 2 मिला। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 10 यानी 5 मिला। और फिर अगर फिफ्थ टर्म में से फोर्थ को माइनस करते हैं तो आपको 19 माइनस 15 यानी 4 मिला। तो यहाँ पे गौर करें बच्चों, आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट टाइम जब कॉमन डिफरेंस आया था ये 4 आया था, सेकेंड टाइम ये 2 आ गया, थर्ड टाइम ये 5 आ गया, फिर जो है ये 4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो प्रत्येक 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक समान नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पर सीरीज दिख रहा है आपको, इसे हम एपी में नहीं है ये कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि एपी किसको कहते हैं, एपी में क्या क्या टर्म्स यूज हो रहा है। अभी ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला सीरीज दिया था बच्चों, इसमें किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो सेम आ रहा था, इक्वल आ रहा था। लेकिन ये जो सेकेंड को जो सीरीज लिया हमने, उसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। तो ये एपी है लेकिन ये एपी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा ये बात आप लोगों को। चलिए अब इसमें यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसके आगे का 3 टर्म निकालो आप, मैं आपसे ये कहता हूँ। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, अगर हम यहाँ 4 में से 2 माइनस करते हैं तो ये 2 मिला, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट टर्म को भी माइनस करो तो देखो फिर से ये 2 मिल रहा है। अगर आप इससे माइनस करो तो भी आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है। इसका मतलब आप ये क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है ये तो हमेशा सेम रहेगा। तो अब आगे का जो टर्म है, तो आप यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं कि 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4 मिला है, फिर 4 में हमने 2 प्लस किया तो 6 मिला है, 6 में 2 प्लस किया तो 8 मिला, 8 में 2 प्लस किया है तो 10 मिला है, और 10 में 2 प्लस किया तो 12 मिला है। तो ठीक इसी तरह से 12 में 2 प्लस कर देंगे तो ये 14 मिल जाएगा, फिर 14 में 2 प्लस कर देंगे तो ये 16 मिल जाएगा, और फिर 16 में 2 प्लस कर देंगे तो ये 18 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो सीरीज है ये आसानी से तैयार हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके जनरल टर्म की, यानी अभी हमने देखा कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे का कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो हम उसे
आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ समझते हैं, ये इसको हम लोग कहेंगे बच्चों जनरल टर्म। ठीक है, इसका एक जनरल टर्म क्या बनेगा, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हम लोग कैसे बनाएंगे ये आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। ठीक है, आप यहाँ समझें, अगर मान लो ये जो टू था इसे मैं कहूँ कि ये ए है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने। अब ये जो फोर मिला तो इसका मतलब हमने टू में टू प्लस किया है ना, हमने टू में टू प्लस किया तो फोर मिला। तो यहाँ पे टू क्या है बच्चों, तो आप यहाँ पे टू का मतलब हुआ कि फोर में से टू घटाया तो ये टू मिला, यानी टू जो है ये कॉमन डिफरेंस है। तो ए टू मेरा ए था, ठीक है, और इसका आगे का टर्म निकालने के लिए टू ऐड किया, मतलब डी ऐड किया, तभी तो फोर मिला। यानी इसका जो नेक्स्ट टर्म बनेगा बच्चों वो ए प्लस डी मिलेगा। ठीक इसी तरह से इसका जो अगला टर्म होगा आप यहाँ ध्यान दें, तो ए प्लस डी, फिर इसमें हम डी जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें अगर फिर से हम डी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी ए प्लस टू डी बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे फिर, तो इस टू डी में फिर से डी जोड़ेंगे तो ये ए प्लस थ्री डी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप इस तरह से समझें। यानी अगर हमको पहला टर्म है तो हम इसे ए कहेंगे, इसका नेक्स्ट टर्म को निकालना होगा तो मतलब हमको इसमें डी ऐड कर देना है, तो ये बन गया ए प्लस डी। फिर इसके अगले टर्म को निकालना है तो इसमें फिर से डी ऐड करेंगे, तो अगर हम लोग फिर से डी ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर हम लोग इसको फिर से डी ऐड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। यानी जो फर्स्ट टर्म मिला था वो मिला था ए, फिर सेकेंड टर्म मिला ए प्लस डी, फिर इसका अगला टर्म मिला उसमें डी ऐड कर दिए तो ए प्लस टू डी, फिर इसके आगे का टर्म निकालेंगे तो ए प्लस थ्री डी, इस तरह से ही फिर ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, यानी इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते रहें तो लास्ट में मिल जाएगा ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस बात को समझिए, देखिए थोड़ा सा बात ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आएगा, इसका पैटर्न समझ में आएगा। जब फर्स्ट टर्म था तो इसमें देखिए अब डी एक भी नहीं है। ठीक है, ये जब सेकेंड टर्म आया तो इसमें डी कितना है, सिर्फ एक है। जब ये थर्ड टर्म आया तो इसमें डी कितना है, दो है। जब ये फोर्थ टर्म आया तो डी कितना है, थ्री है। जब ये फिफ्थ टर्म आया तो डी इसमें कितना है, फोर है। जब ये सिक्स्थ टर्म आया तो डी कितना है इसमें, फाइव है। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तो पता ये चल रहा है बच्चों कि हम जो जो भी टर्म देखें तो उसमें डी का जो वैल्यू है वो उस टर्म के नंबर से एक कम दिख रहा है। यानी पहला टर्म था तो सिर्फ एक भी डी नहीं है, सेकेंड टर्म में डी एक है यानी एक कम हो गया, थर्ड टर्म में डी दो है यानी डी फिर एक कम हो गया, फोर्थ टर्म में डी थ्री है यानी फिर एक कम हो गया, फिफ्थ टर्म में ये फोर डी है मतलब फिर एक कम हो गया, सिक्स्थ टर्म में ये फाइव डी है यानी फिर एक कम हो गया। तो इस तरह से अगर चलते चले जाएँ तो डी जो है वो हर बार एक कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा लास्ट में बच्चों, कि ये बना ए प्लस, तो यहाँ पे डी तो हमको एक घटा देना है ना, तो एक घटाना है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को एक घटाना है, तो एन में से एक माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा डी। यानी यहाँ पे ये जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बना यही इसका nth टर्म कहलाया बच्चों। ठीक है, यानी आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर समझें। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ए पी है, ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह के फॉर्म में अगर है तो इसका जो एनवा टर्म होगा यानी ए एन, तो ये निकलेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये nth टर्म या एनवा टर्म जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पर है, आइए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको इसके यूज़ को समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए
मान लें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए आपके पास एक नंबर है, ये है इस तरह से नंबर, सपोज करें ये 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, इस तरह से ये जा रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि चलिए फाइंड करिए, फाइंड 50th टर्म, 50th टर्म बोला गया, किसका 50वां टर्म कितना होगा ये फाइंड करिए। ठीक है बच्चों, तो इसका 50वां टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप इस चीज़ को यहाँ पर सीखे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देखिए क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ देखें, अभी जो क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन को, सॉरी मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। हमने क्वेश्चन लिया था 15, देन 23, देन 31, इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया था। आप यहाँ देखें इसका जो फर्स्ट टर्म है ये कितना है, तो ये 15 है। ठीक है बच्चों, इसका अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालें यानी डी, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये 23 माइनस 15, तो ये कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 8। या इसमें से इसको भी माइनस करें तो अभी आप कॉमन डिफरेंस देख सकते हो निकाल के, तो 31 में से 23 माइनस करते हैं तो भी मिलता है 8, यानी कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक ही है। ठीक है बच्चों, जब ये हमें पता चल गया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमसे पूछा जा रहा है कि चलिए आप बताएं कि इसका 50वां टर्म कितना है, तो इसका 50वें टर्म को निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम जो फार्मूला अभी सीखे हम उस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन को देखें। अभी फार्मूला हमने क्या यूज़ किया कि फार्मूला हमने यूज किया कि ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस इंटू वन इंटू डी। तो हमें कौन सा टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, हमें 50वां टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे एन की जगह बैठा देंगे 50। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं तो फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन की जगह हम कितना लेंगे बच्चों, 50 माइनस वन इंटू डी। अब आगे पढ़िए, यहाँ पर अब ध्यान दें कि ए जो है हमारा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये 15 है, तो हमने यहाँ 15 बिठा दिया, प्लस 50 में से वन हमने माइनस किया तो ये बच गया 49। ठीक है बच्चों, और अगर हमने डी निकाला था जब इसमें, तो 23 में से 15 माइनस किया था तो ये आया था 8। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 15 प्लस, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप इसको यानी कि 49 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 392 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों, हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो अगर 392 में हम 15 को ऐड कर दें तो फाइनली ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों 407। ठीक है, 407 यानी 400 इसका 407 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यानी हमको जो सीरीज दिया गया था, हमें जो सीरीज दिया गया था बच्चों, हमें सीरीज ये दिया गया था कि 15, 23, 31 इस तरह से सीरीज दिया गया था, और हमने जब उसको सिंप्लीफाई किया इस फॉर्मूले से ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे बिठा के, तो उसका जो फाइनल आंसर आया था बच्चों वो आया हमें 407, 407। तो इस तरह से हम आसानी से उसका जो 50वां टर्म था उसको निकाल पाए। ठीक है, चलिए एक हम अब दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बच्चों,
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए मान ले हमारे सामने एक क्वेश्चन है इस तरह से। टू है, थ्री एंड हाफ है, फिर इसको अगर हम देखें तो ये फाइव है, फिर सिक्स एंड हाफ है। इस तरह से ये सीरीज दिया गया है, ठीक है बच्चों। और हमें कहा गया फाइंड 20th टर्म, इसका 20वां टर्म ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हमको पता है ये देखेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखें, इसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म कितना है इसका, तो आप अगर देखें यहाँ तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये है टू, ठीक है। और चलिए हम निकाल लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो आप देखें इसका सेकेंड टर्म कितना है, थ्री होल 1/2 है, यानी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं 3 2 6 और 1 7/2 है। तो 7/2 में से हम 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए नंबर क्या मिलेगा हमको। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लें तो ये 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और इस तरह से 7 में से 4 माइनस किया तो ये 3/2 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हमें ए और डी दोनों चीज़ पता चल गया है तो हम क्या करेंगे बच्चों। तो हम करेंगे कि अब इसको फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था, तो 20th टर्म। तो फार्मूला बिठाएंगे ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दें यहाँ पे 20वां टर्म निकालना था, इसलिए हमने एन की जगह यहाँ पे 20 बिठाया। तो फाइनली ये क्या मिला बच्चों, ये मिला ए प्लस, अब 20 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 19, और यहाँ आ गया डी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें हमने जो क्वेश्चन लिया है, तो इस क्वेश्चन में हमने ए कितना हमें को हमको मिला है, तो ए हमें मिला है यहाँ पर, अब ध्यान दें ए मिला है हमें यहाँ पर 2, ये ए 2 मिला हुआ है, और डी हमने कितना निकाला था बच्चों, तो डी हमने 3/2 निकाला था। तो ए और डी दोनों हमें यहाँ पर पता है, तो जब हमें दोनों पता है तो हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह से, तो आप देखें ए की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 2 प्लस 19 इंटू, और डी मेरा कितना आया था बच्चों, ये आया था 3/2, ठीक है। तो अब इसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दें, ये 2 तो रह ही जाएगा, और यहाँ पे 19 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 93 जा हो गया 57, और नीचे आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम यानी कि 2 प्लस 57/2 को प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। 2 प्लस 57/2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है ना। तो आपने जब इसका एलसीएम लिया तो 2 आया, तो 1 2 जा, तो 2 2 जा कितना आ गया, 4 आ गया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बार में, 1 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आ गया, और जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 61/2। तो चाहे तो आप इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या नहीं तो फिर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। तो कुछ बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन निकालने में प्रॉब्लम होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ देख लें 2 3 जा 6, ये 0 हो गया बच्चों, ये 1 आया, यहाँ आ गया 0, यानी 1 यहाँ बैलेंस रह गया। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
चूँकि 30 यहाँ पे क्वेशेंट है और रिमाइंडर 1 है और डिवीजन यहाँ पे 2 है, तो या तो आप 61/2 लिखो या फिर 30 होल 1/2 लिखो। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया था उसका अगर 20वां टर्म निकाले तो ये 20वां टर्म जो है वो आएगा 30 होल 1/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो मैंने जो बातें समझाई हैं वो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके ज़रूर देखें, रिवाइंड करके देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए मैं जल्दी से फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहली बात मैंने ये बताई थी कि अगर कोई भी एपी दिया हुआ है तो उसके किसी भी कंसिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, कंसिक्यूटिव के टर्म के बीच का जो डिफरेंस था, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी हमेशा सेम रहेगा, तभी उसको हम एपी कह सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि इसका जो जनरल टर्म होता है वो a a+d a+2d, इस तरह से डॉट 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 a+(n-1)(d) होता है। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई कि किस तरह से हम ये जो फार्मूला है nth टर्म का फार्मूला a+(n-1)(d) की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो एपी में हो। ठीक है, तो ये सारे बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताया है और मैं जल्द ही अब इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के, आरडी शर्मा के, आर्य सगवाल के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा और इस तरह से आपकी बोर्ड की तैयारी भी होते रहेगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और वंस अगेन आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।